खूब लड़ी वो तो रेवाड़ी की रानी थी। जी हाँ, रेवाड़ी की बेटियां जीत गई हैं। उनके अनशन के सामने आखिरकार खट्टर सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने स्कूल को अपग्रेड करने और सुरक्षा मुहैया कराने की मांगों को मान लिया है। इतना ही नहीं, स्कूल को 12वीं तक करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रेवाड़ी में अनशन पर बैठी छात्राओं की मेहनत रंग लाई है। हरियाणा सरकार ने उनकी डिमांड के आगे झुकते हुए स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होते ही छात्राओं ने अनशन खत्म कर दिया। हालांकि इससे पहले अनशन के दौरान चार छात्राओं की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ग्रामीणों का दावा है कि सरकार पहले भी कई बार आश्वासन दे चुकी थी, लेकिन स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया। सुनाई नहीं कर रहे, और ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, बताओ अपने शिक्षा के लिए बैठी हैं और तो कुछ नहीं मांगती, तो ये क्यों नहीं आंखें खुल रही है? नारा जी उसका, मोदी जी का नारा लगता है बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, तो ये क्यों नहीं सुनाई करती इन लड़की? एक्चुअली दो तीन बार घोषणा हो चुकी है इस गाँव में प्लस टू के लिए, लेकिन अभी गाँव वालों की और बच्चों की जिद है कि हमें रिटर्न में हमें जो अपग्रेडेशन लेटर है विद पोस्ट चाहिए। हमें सूबे के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने स्कूल को अपग्रेड किए जाने का ऐलान किया। स्कूल में प्रिंसिपल की नियुक्ति की भी बात कही गई है। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा का आरोप है कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। गोठड़ा का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है, और डीओ और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक प्रिंसिपल वहाँ डिप्यूट कर दिया है। तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर, तो एक तो ये दर्शाता है इस सरकार पर किसी को विश्वास ही नहीं है। जब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कर देंगे और फिर बच्ची कह रहे हैं लिख के दो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये सरकार के उस पे किसी को विश्वास नहीं है। दसवीं के बाद छात्राओं को 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। इस दौरान रास्ते में उन्हें छेड़छाड़ की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद छात्राएं लगातार स्कूल अपग्रेड करने की मांग कर रही थी। रेवाड़ी से अनिल रस्तोगी, जी मीडिया।